पिछले कई दिनों से राजस्थान से दलित उत्पीड़न की परेशान कर देने वाली खबरें आ रही हैं, लेकिन अब उसी राजस्थान से दलित और आदिवासी समाज के लिए एक राहत की खबर आई है। राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत सरकार ने एक ऐसा बिल पास करवा दिया है जिससे दलित और आदिवासी समाज के लिए आवंटित बजट को इन वर्गों की भलाई के लिए खर्च करना अनिवार्य होगा। राजस्थान में अब दलित और आदिवासी विकास की योजनाओं को अफसरों को धरातल पर लागू करवाना ही होगा, यानी SC/ST विकास योजनाओं को अनिवार्य रूप से लागू करने और इन इलाकों में विकास की गारंटी देने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने अलग से फंड का कानून बना दिया है। राजस्थान SC/ST विकास निधि योजना आवंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग विधेयक बुधवार को बहस के बाद विधानसभा में पारित कर दिया गया। इस बिल में SC/ST के विकास के लिए अलग से फंड का प्रावधान करने के साथ इसे गारंटीड रूप से लागू करने का प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश में 32% SC/ST की आबादी तक अब विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाना कानूनी रूप से जरूरी हो जाएगा। हालांकि योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाने पर अफसरों को सजा देने का प्रावधान इस बिल में नहीं किया गया है। इसे आसान भाषा में इस तरह समझिए, मान लीजिए कि SC/ST की भलाई के लिए सालाना 500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। अब इन योजनाओं से जुड़े अफसरों को ये फंड खर्च करना ही होगा और SC/ST की भलाई के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो उनका लाभ उन तक पहुंचाना जरूरी होगा। कई बार होता क्या था कि SC/ST फंड को खर्च ही नहीं किया जाता था और बाद में उस फंड को किसी दूसरी योजना में या दूसरे काम में लगा दिया जाता था। इस नजरिए से राजस्थान SC/ST विकास निधि विधेयक बेहद अहम हो जाता है। इस विधेयक में SC/ST के लिए बजट में अलग से सब प्लान है, लेकिन इसे कानूनी सुरक्षा नहीं मिली हुई है, यानी अगर फंड खर्च नहीं भी होता तो संबंधित अफसरों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। प्रावधान बदलने से अब SC/ST विकास की योजनाओं को लागू करना होगा और फंड का सही इस्तेमाल कानूनी रूप से जरूरी हो जाएगा। SC/ST विकास फंड बिल पास हो जाने के बाद योजनाओं को बनाने से लेकर लागू करने तक का पूरा फोकस करना होगा। दलित और आदिवासी दोनों वर्गों के लिए अलग से फंड होगा। शुरुआत में 500-500 करोड़ का फंड होगा, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस फंड को SC सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान की योजनाओं से अलग खर्च किया जाएगा। CM अशोक गहलोत ने पिछले साल के बजट में SC/ST विकास के लिए फंड का अलग से बिल लाने की घोषणा की थी। दलित और आदिवासियों के विकास के लिए गहलोत सरकार ने राजस्थान में पैटर्न लागू करने की योजना बनाई है। अब तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पंजाब में इस तरह के कानून बन चुके हैं। प्रदेश में 8 जिले आदिवासी जनसंख्या वाले हैं, जिनमें ट्राइबल सब प्लान के तहत योजनाएं चलती हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, प्रतापगढ़ और जालौर समेत 8 जिलों के 5,996 गाँव TSP क्षेत्र में आते हैं। इसमें 92 लाख से ज्यादा आबादी है। पारित किया जाए, जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। इस बिल के जरिए गहलोत सरकार सूबे की 32% आबादी को साधने की कोशिश कर रही है। SC/ST की प्रदेश में करीब 32% से ज्यादा आबादी है, कई जिलों में ये प्रतिशत और भी ज्यादा है। विकास योजनाओं को लागू करने की गारंटी वाला कानून लाकर सरकार इस बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश भी कर रही है। हाल में जातीय उत्पीड़न की जघन्य वारदातों ने अशोक गहलोत सरकार के माथे पर कुशासन का कलंक भी लगा दिया है। ऐसे में इस कानून से गहलोत सरकार को अपनी छवि सुधरने की भी उम्मीद है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।